dear students assalamu alaikum today we are going to create a customer type list in quickbooks as you know that we can categorize our customers into different categories why do we need to categorize our customers we can categorize our customers if we wish to know what type of customers we are dealing with there can be many categories for example you can categorize your customers based on region you can categorize your customer based on what type of business they do. They can be a private residential facility that you are constructing, or a private or a public limited company, or the government that you are working with. And of course, there is always a possibility that you could be working with a large commercial organization. So, if you wish to categorize your customers based on दीज टाइप्स देर इज़ ए प्रोविजन इन क्विक बुक्स वेयर यू कैन डू सो होता ये है कि हमारे कस्टमर्स बहुत सी नौीय कस्मों की होते हैं और ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उनको किस तरीके से मुख्तलफ़ कैटेगरीज़ में बाँटना चाहें हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन को हम अलहदा तरीके से ट्रीट करना चाहें हो सकता है कि बड़ी कमर्शल ऑर्गनाइजेशन जिनके लिए हम कोई प्लाजा वगैरह बना रहे हैं उनको हम किसी और तरीक़े से ट्रीट करना चाहें और प्राइवेट जो लोग अपना घर बनवा रहे हैं उनको हम किसी और तरीके से ट्रीट करना चाहें इसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती है जिसमें हमें अपने कस्टमर की टाइप की ज़रूरत पड़ सकती है मिसाल के तौर पर हम चाहें तो अपने वो कस्टमर्स जो सर्विस लेते हैं उनको अलहदा रख लें वो कस्टमर्स जो हमसे मटीरियल लेते हैं वो अलहदा रख लें और जो दोनों चीज़ें हमसे लेते हैं सर्विसेज भी और प्रोडक्ट्स भी उनको अलहदा रख लें इसके अलावा एक और तरीक़ेक ये भी हो सकता है कि हमें ज़रूरत पड़ जाए कि हमें ये पता चले कि मुख्तलिफ़ इलाक़ा के, मुख्तलिफ के हिसाब से हमारे कस्टमर्स कौन कौन से हैं मिसाल के तौर पर बहुत सारी कंपनियाँ पाकिस्तान को तीन हिस्सों में तोड़ती हैं साउथ नॉर्थ और वेस्ट तो हम इस तरीके से भी तोड़ सकते हैं कि साउथ में जो कंपनियां काम कर रही हैं वो ये हैं जो नॉर्थ में काम कर रही हैं वो ये हैं और जो वेस्ट में काम कर रही हैं वो ये हैं और इनको किस तरीक़े से हम डील करेंगे उसके तरीके मुख्तलि हो सकते हैं रीज़न बीइंग कि जो साउथ में काम कर रही है हो सकता है उनका टैक्स स्ट्रक्चर फ़र्क हो सकता है वहाँ चीज़ पहुँचाने में हमें मज़ीद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगती हो और ये सारी चीज़ें देखते हुए हम अपने जो मेन कस्टमर्स हैं उनको हम पार्ट्स में तोड़ सकते हैं अगर हम चाहते हैं तो ये बेसिकली इसलिए चाहते हैं इसलिए नहीं कि अकाउंट्स से से बहुत बड़, बड़ा फ़ायदा होता है फायदा हमें यह होता है कि हमें फीडबैक और एनालिसिस में आसानी होती है हमें यह पता चल जाता है कि किस टाइप के लोग क्या काम ज्यादा करवाते हैं कहाँ हमारा सबसे ज्यादा क्लाइंट मौजूद है किस टा, टाइप के काम ज्यादा हो रहे हैं यह सारी चीजें एनालाइज करने के लिए रिपोर्टिंग के लिए यह बहुत मुफीद चीज है कि हम इनको कैटेगराइज कर लें आइए चल के देखते हैं क्विक बुक्स में कि ये कैटेगराइजेशन होती कैसे जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर टाइप हमने सेलेक्ट करना है अपने पास और आए कस्टमर पर हम जाके देखते हैं कि हमें कस्टमर टाइप कहाँ नज़र आती है किसी भी कस्टमर को चूज़ करें राइट क्लिक करें और एडिट करें जैसे ही आप एडिशनल इन्फो में जाएंगे तो आपके पास कस्टमर टाइप नज़र आएगा इसमें पहले से हमारे दो कस्टमर टाइप मौजूद हैं लेकिन हम जिस पे चाहें इसको चूज़ कर लें और उसके ऊपर हम मज़ीद रिपोर्टिंग कर सकते हैं पहले तो हम देखते हैं कि ये यहाँ किस तरीके से ऐड होते हैं जैसे कि आपको पता है कि ये लिस्ट का हिस्सा है इसलिए आपने लिस्ट में जाना है और जाना है कस्टमर एंड वेंडर प्रोफाइल लिस्ट इसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक हमारी जो लिस्ट है उसका नाम है कस्टमर टाइप लिस्ट जब आप कस्टमर टाइप लिस्ट को चूज़ करेंगे तो हमारे पास जो पहले से दो बने हुए हैं वो नज़र आने लगेंगे हमने दो और मज़ीद बनाने और उसके ऊपर हमने रिपोर्ट बना के देखनी है कि रिपोर्ट कैसी नज़र आती है उसी को हम फिल्टर करके चेक कर लेंगे लेकिन अब हमारे पास इसके अलावा जो दो चीज़ें हम मज़ीद डालने लगे हैं। एक है जी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट इसका मतलब ये है कि हम किसी सरकारी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं और एक और हम बना देते हैं ये प्राइवेट किसी इदारे के लिए हम काम कर रहे हैं अब हमारे पास दो नए कस्टमर टाइप मौजूद हैं और हम इनको इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से रिफ़्लेक्ट होंगे हमारे डिटेल्स के अंदर हमने इन्हें असाइन करना है अपने कस्टमर्स को ये हमारे पास कस्टमर लिस्ट मौजूद है और इसमें से हम पहले चंद दो तीन को सेलेक्ट करके उसमें ये चीज़ डालते हैं पहले कस्टमर ने चूज़ किया उसको एडिट किया और इसको हमने प्राइवेट करार दे दिया दूसरे के साथ भी हमने यही सलूक किया एडिशनल इन्फो में जाके हमने इसे भी प्राइवेट चूज़ कर लिया है अगले दो को हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ एक्सपीरियंस एक वी आर

लेकिन हमने जो पुराने थे वो रहने दिए हैं दो हमने मजीद डाल लिए हैं अब हम देखते हैं कि इसकी किस तरीके से हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो जैसे कि आपको पता है कि रिपोर्ट्स के लिए हमें जाना पड़ता है रिपोर्ट्स में और वहाँ हमने जो लिस्ट है उसको हमने चूज़ करना है और इसके अंदर एक होगी हमारे कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट जैसे आपने कस्टमर कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली तो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई है लेकिन हमें बड़ी फिल्टर्ड और बड़ी सॉर्टेड लिस्ट चाहिए तो हम इसको थोड़ा सा अपने तौर पे रिफाइन करेंगे कस्टमाइज रिपोर्ट पे जाएंगे हम और जो चीज़ें हमें चाहिए वो हम रहने देंगे जो फील्ड्स हमें नहीं चाहिए हम यहाँ से हटा देंगे ये अब हमने अपनी पसंद से चीज़ें चूज़ कर ली हैं जिसमें हमारा कस्टमर आ रहा है बैलेंस आ रहा है और कस्टमर टाइप आ रहा है अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत लंबी एक लिस्ट है और हम ऊपर से नीचे तक अपने तमाम कस्टमर्स को देख सकते हैं लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरह इसको किसी तरह फिल्टर करके सिर्फ जो हमने चंद नए बनाए हैं कस्टमर टाइप उसको हम अपनी इस रिपोर्ट में ले आए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको फिल्टर करेंगे इसका मतलब ये है कि हमें कस्टमाइज़ रिपोर्ट करना पड़ेगा और फिल्टर्स में जाना पड़ेगा पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे प्राइवेट जो कस्टमर्स हैं उनकी लिस्ट बनाएं फिल्टर में आपने चूज़ करना है कस्टमर टाइप और इधर आपने जो चीज़ चूज़ करनी है ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी उसी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आ रही है आपने प्राइवेट कस्टमर्स चूज़ करने हैं जैसे आप ओके okay करेंगे आपको दोनों प्राइवेट कस्टमर्स फिल्टर होकर इस लिस्ट में नजर आने लगें अब हम चाहते हैं कि हम दोनों टाइप जो अभी हमने बनाए हैं वो दोनों टाइप एक ही टाइम पे हमारी रिपोर्ट में आ जाए और ये भी मुमकिन है क्योंकि हमारे पास याद रहे कि सारी फैसिलिटी आपको दे रहा है हमारा ये क्विक बुक्स का सिस्टम जल्दी से हम जाके कस्टमाइज रिपोर्ट में गए और फिल्टर्स वाले टैब में जाते हैं क्योंकि जिस चीज़ पे हमने इसे फिल्टर करना है आपको पता है वो है कस्टमर टाइप आपने कस्टमर टाइप चूज़ किया पिछली दफ़ा हमने प्राइवेट चूज़ किया था लेकिन इस वक्त जो हम चीज़ चूज़ करने लगे हैं वो है जी मल्टीपल कस्टमर्स टाइप ये ऑप्शन दिस लेट्स यू चूज मोर देन वन कस्टमर टाइप इन द फिल्टर इसमें हमने क्या किया हम प्राइवेट जो अभी हमने बनाया था उसको टिक किया है और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को हमने टिक किया है ये दोनों अभी हमने बनाए हैं और हमने दो दो अपने कस्टमर्स जो हैं वो इस टाइप के डाले हैं आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से इन होता है और ये आपने देखा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चार कस्टमर्स आ रहे हैं रिपोर्ट के अंदर दो हमारे इसके जो हैं वो प्राइवेट हैं और दो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी रिपोर्ट कस्टमाइज़ कर सकते हैं और फाइनली फ़िल्टर कर सकते हैं बेस्ड ऑन मल्टीपल क्राइटेरिया ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपने जो चीज़ देखनी है आप इस मुख्तलिफ़ कस्टमर्स टाइप के ऊपर अपनी रिपोर्टें निकाल के ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि जो कस्टमर टाइप है याद रहे कि ये आपके बिज़नेस से ज़्यादा मुताबकत रखने चाहिए ताकि जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसके मुताबिक से आपके बिजनेस टाइप बन बने ताकि आप लेटेस्ट स्टेज पे चीज़ें एनालाइज करने के लिए जो रिपोर्टिंग करते हैं उसमें आपको फ़ायदा हो थैंक यू सो मच